तो क्या हाल क्या चाल, तूतली बोल के स्वर्ग वाल लेके आ गया हूँ मैं नया एपिसोड माइनक्राफ्ट का। तो गाइस देखो, पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हमने जो बनाया था वो बनाया था एक गाँव गाँव, एक शीप शीप और सुअर के पिल्लो का घर। तो बहुत बढ़िया बन चुका था वो शेल्टर, क्योंकि हमारे पास जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उनको रहने की जगह नहीं थी और वो दर बदर भटकते फिर रहे थे। तो गाइस मैंने सोचा था क्यों ना क्यों मैं पहले इनका घर बना देता हूँ, बाद में बनाऊंगा एक एक्सपी फार्म, क्योंकि एक्सपी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। हमें जो है ना अपने हथियार को मेंटेन रखने के लिए और अपने बहुत सारा काम करने के लिए और मतलब प्लेजर वगैरह से लड़ने के लिए बहुत सारा काम ही करना है। तो उनके लिए हमें जो है ना एक घर बना देंगे, घर के अंदर लाइट लगा देंगे, लाइट लगा के सुअर के पिल्लो बोल देंगे। गाइस देखो, सुअर के पिल्लो को लाने से पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें थोड़ी सी जो है ना टॉर्च वगैरह लगा देते हैं और रोशन कर देते हैं, इस जहान को रोशन कर दूंगा मैं पैसा। तो गाइस देखो, ये जो मैंने घर बनाया था इसमें वैसे चार फेस सोच रहा था मैं, सात चार कमरे बनाऊंगा कि जॉइंट फैमिली का हिसाब का घर मैंने बनाया था। लेकिन मैंने उनसे एक तो काउ से पूछा और एक जो है ना शीप से पूछा, उनने कहा स्वर्ग रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन वो तुरंत मना करने लग गए कि नहीं, मुर्गी नहीं आएगी, मुर्गी बहुत गंदी फैलाती है, गंदगी करती है और बहुत ज़्यादा जो है ना बदबू रखती है, तो इसलिए हमें लाल मुर्गी का नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने मुर्गी का एक फार्म अलग से बना रखा है, इसलिए हम मुर्गी नहीं लाएंगे इसमें। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिलहाल जो है ना तुम्हारे तीनों के लिए एक घर बना देते हैं, तुम्हें उसमें जाके रख के ला के रख देते हैं और तुम अपना खाना पीना मौज करना और तुम्हें मैं खाना टाइम से देता रहूँगा। तो गाइस फिलहाल मैं जो है ना इसमें लाइट का काम कर लेता हूँ, और लाइट का काम करने के बाद मुझे जो है ना सबसे पहले मैंने बात कर ली थी उनसे, एक काऊ को रखेंगे, सबसे पहला वाला कमरा काऊ का है, दूसरा वाला कमरा सुअर के पिल्लो का है और तीसरा वाला कमरा भेड़ों का यानी शीपों का। तो गाइस देखो, जगह जगह मैं टॉर्च इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लालटेन इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगी और इतनी सारी लालटेन की जो है ना हमें ज़रूरत नहीं है, पड़ेगी आगे, नहीं है क्या पड़ेगी। तो गाइस देखो, ये जो यहाँ पे मैंने शिप बांध रखी थी, ये बेचारी भूखी प्यासी बारिश में तनहा अकेली खड़ी रहती थी यहाँ पे बेचारी, इनको मैंने आसरा दिया, इनको मैंने घर दिया और इन्होंने क्या किया मेरे साथ पता है तुम्हें, चलने से इनकार कर दिया। ये बहुत गलत बात है इनकी, तो मैं इनको लेके जाने के लिए मैं लेके आया था लीड, जिसे मैंने जो है ना ट्रेडर को जान से मार दिया था, बिल्कुल चक्कू चक्कू घुसेड़ दिया था उसके पेट में, ऐसे हासिल करी थी उसे मार के। तो इस शीप ने मुझसे मना कर दिया था मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा तू कैसे नहीं जाएगी, तेरे को अब मैं लेके जाऊंगा। तो गाइस देखो, इस शीप को ले जाने मुझे बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं जो है ना अपनी मंजिल तक ले जाके छोड़ूंगा ही। जैसे ये भागती फिर रही है ना, ये देखो ये टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई। तो गाइस फिलहाल तो हम ये जो बोल रहा है इसको बोलने दो, ये पीछे मेरे पता है सब्जी बेचते हैं, इन्हें पता है मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये जान के आते हैं यहाँ पे, इसलिए इनको इग्नोर करना। तो गाइस देखो, मैं अब जो है ना इन भेड़ को लेके आ चुका हूँ उनके कमरे के पास, ये तुम्हारा कमरा है, देखो खाना खा रही है, और ये बेड पे मत जाना, ये बेड में यहाँ बनाते बनाते सो रहा था इस पे, और ये यार कैसे फंस गई, अभी एक एक करके आ जाती। देख लो गाइस, इनमें इतनी ओड़ मच रही है कमरे में जाने में, एक एक करके नहीं आई, एक को मैंने अनलीश करा तभी आई, ठीक है नहीं। तो गाइस इसे भी मैं ले आता हूँ, और इसमें एक काम करेंगे हम, इसके बाद जो है ना कोई गाँव या भैंस वैंस मिलेगी तो तब कर वो लाके मैं लगा दूंगा, और उसके बाद लालटेन का काम मैं कर दूंगा। इन्हें मुझे जो है ना फीड भी कराना है और इनसे बहुत सारी ब्रीडिंग करा के मुझे जो है ना ये घर को पूरा फुल कर देना है, हाउस फुल जिसे बोलते हैं। कोई बात नहीं है दादाजी, मैं सब काम कर लूंगा, सारी मेहनत कर लूंगा, और बस साथ चाहिए इसको, मैंने घूसे में सुझा दिया, तो साथ चाहिए आप सभी का। तो गाइस मैं दादाजी की बात को इग्नोर करते हुए इस गाय को ले जाता हूँ और उस कमरे में जो है ना ला के जाकर पेल देता हूँ इस गाय को। तो यार देखो, इसे मैं जानता हूँ, इसे मैं मार के आ रूँगा, इसकी आवाज़ तुम्हें मैं अभी सुनवाऊंगा, इतना खतरनाक आदमी है, इसे मैं अभी मना करके आया, सुनो सुनो, इतना खतरनाक आदमी है ये, बताओ मैं क्या करूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हम गेम की तरफ चलते हैं। तो गाइस देखो,
जी हाँ, बहुत बढ़िया गेम प्ले है ये। तो गाइस फिलहाल मैंने एक काव को रख दिया और दूसरी काव को मैं लेने जा रही हूँ, जिसे हम हिंदी में गाय भी बोलते हैं। और लकीली मुझे यहाँ पे एक गाय मिल गई थी, यहीं पे स्पॉन हुई भी। तो गाइस मैं फटाफट से इस गाय को ले जाता हूँ और इस गाय को जो है ना ले जाके अपने इसका पहला कमरा उसमें डाल दूंगा, और डालने के बाद करूंगा ततैया ततैया, ठीक है ना, धुम धुम तर धुम धुम तर। तो ये जितना भी काम है सब कर देंगे। और बहुत देर से नहीं करा मैंने, तो गाइस देखो काफी तो मैं थक गया हूँ वैसे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। तुम जो ना तो लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है ना। खैर छोड़ो, अगली बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, या इसी में कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस देखो मैं भेड़ के कमरे को मैंने दे दिया उनसे, जो मैंने बयाना लिया था वो मैंने उनको वो पोजीशन दे दिया है, गाय को पोजीशन दे दिया है। अब जाते हैं कहीं सुअर के पिल्लों को लेने। इनसे मैंने 2 लाख रुपए लिए थे और कल ही लिए थे, तो इन्हें मैंने दिखा दिया कमरा इनका वैसे। तो अब चलते हैं इनको जो है ना, इनको भी कमरा दे देते हैं। और मुझे पता नहीं है ये खाते क्या हैं, ये ब्रीड कैसे करते हैं, तो इनको ब्रीडिंग के लिए मुझे पता चल करना पड़ेगा क्या खाना खाते हैं ये। पता नहीं क्या खाते होंगे, ये ब्रेड व्रेड ही खाते होंगे। तो गाइस फटाफट से हम जो है ना इन्हें सुअर के पिल्लो को लेके चलते हैं। और देखो गाइस मैंने इन सुअर के पिल्लो को ले जाके इनके कमरे में छोड़ दिया, और मैं सोच रहा था ब्रीडिंग के लिए मैंने कुछ जो है ना गेहूं वेहूँ उगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने कैसल पे, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर पे है, और मुझे पैदल ही निकलना पड़ेगा। नाव मेरी थी वो शायद पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, टूट गई है, कहीं छोड़ गया यार, मैं कहीं छोड़ दी थी क्या मैंने। तो गाइस कोई बात नहीं है, हम जाएंगे इतनी दूर जाके और लेके आएंगे अपने गेहूं को, क्योंकि मैंने वहाँ पे फार्म बना रखा है गेहूं का, और देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ है कि नहीं है वहाँ पे, वैसे कुछ तो होगा नहीं। तो गाइस फटाफट से चलते हैं हम अपने घर की तरफ, और वहाँ से जो है ना बहुत सारा गेहूँ उठा के मैं ले आता हूँ, और उनकी फीडिंग करा के इनको ब्रीडिंग करा दूंगा, और इनकी ब्रीडिंग करा के इनकी थ्रीडिंग करा दूंगा, और थ्रेडिंग कराने के बाद इनको जो है ना काफ़ी सारा आनंद मिलेगा। ठीक है गाइस फटाफट से चलते हैं हम घर की तरफ को। तो गाइस देखो मैं फटाफट से जो है ना यहाँ पे आ चुका हूँ अपने घर की तरफ, और यहाँ से आके ये देखो आपको सामने दिख रहा होगा मेरा एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा मेहनत किया हुआ एक वीट फार्म। इस वीट फार्म को से जो है ना मैं वीट ले लूंगा, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से वीट काफी सारा ले जाऊं और उनको जो है ना फीड करा दूंगा। अब बस गलती मेरे से ये हो रही थी कि मैं जो है ना यहाँ पे ऐसे ही जा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम लगाया, मैंने सोचा मैंने ध्यान दिया, मैंने गुणा करी, मैंने भाग करा, मैंने जोड़ भी कर दिया साथ ही साथ। तो मैंने सोचा कि जब ये फॉर्म बना हुआ है तो इसमें मैं वीट को हाथ के हाथ जो है ना इन्हें हाथ के हाथ बोता हुआ चलूँ, क्योंकि ये उस टाइम तक ये फूल जाएंगे, बन जाएंगे, बड़े पूरे हो जाएंगे। तो गाइस ये काम करते हैं हम, और इस काम को करने के बाद जो है ना फटाफट से बिना देर किए मैं दूसरी की लाइन की भी जो है ना वो तोड़ देता हूँ हमारी वीट, और उससे जो है ना जो भी वीट मुझे मिलेगा वो वीट मैं रख लूँगा, और जितना भी मुझे जो इसके जो बीज मिलेंगे ना सीड्स, वीट सीड्स, क्या बात है भाई साहब, लावा आहा। तो गाइस सीड्स भी मिल गए हैं, वीड्स भी मिल गए हैं, इनको लेके मैं वीड्स सीड्स यहीं पे बांध दूंगा, और सीड्स में वीड्स में ले जाऊंगा। तुम भी कंफ्यूज हो गए होंगे किस तरीके के आदमी है, बात कर रहा है ये, क्या कर रहा है, क्या पागलपंती कर रहा है, कौन है ये, ठीक है ना गाइज। तो देखो गाइज मेरे को पसीना आ रहा है, और मैं पसीने में जो है ना ज़्यादा दिमाग मेरा काम कर नहीं पाता, वैसे पसीने में बहुत बढ़िया मज़ा आना चाहिए, लेकिन पसीने में फिलहाल मेरे को कोई मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को गर्मी लग रही है क्योंकि पंखा भी मैंने बंद कर रखा है। तो गाइज मैंने जो है ना सारी की सारी वीट ले ली है, और वीट लेने के बाद मैं जो है ना इस कमरे में देख रहा था, सोच रहा था अपने कैसल में जो है ना यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत सामान लेता हुआ चलूँ, जो मिल जाए मुझे बहुत ही अच्छा हो, और जो मेरे को जो है ना यूज़ में आ सके। तो मैंने फिलहाल एक काम करा था, यहाँ से मैं नीदर में भी जाना चाह रहा था, मैं नहीं गया, और यहाँ से जो भी वीट है ना वो तो मैंने ले ही रखी है, और यहाँ पे वैसे कुछ बढ़िया सामान है नहीं। तो गाइज मैं इस चेस्ट में देख लिया था, और मैं सोच रहा हूँ कि यार पहले जो है ना गेट बंद कर देता हूँ, उससे जो है ना ये हुआ होगा अगर कोई भी मॉब स्पॉन हुआ तो वो इस गेट से पार नहीं आ पाएगा और मैं बच जाऊँगा, मुझे मार नहीं पाएगा। तो
को यहाँ तक का इतना सारा मेहनत मेरी बच जाएगी। तो फिलहाल इस चेस्ट में मैंने दूसरी चेस्ट में भी देख ली है और इसमें मुझे कुछ बढ़िया मिला नहीं है, तो गाइस छोड़ते हैं इन सब, यहाँ पे कुछ ढंग का मिला नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं घर की ओर, क्योंकि वहाँ पे मेरे को जो है ना वीट भी खिलानी है और फीड भी करानी है और जो है ना मजे से मजे ब्रीड भी करानी है। तो वीट, फीड और ब्रीड एक बढ़िया राइम बन चुकी है, अब तुम प्रो हो चुके हो इस फील्ड में। वीट, फीड और ब्रीड, ध्यान रखना हमेशा नारा वीट, फीड और ब्रीड, वीट, फीड और ब्रीड, ये नारा हमारा सदैव अमर रहे, ठीक है ना। तो गाइज हम चलते हैं फटाफट से अपने घर की तरफ को। और मैं जो है ना आज सोच रहा था, बहुत तेज़ी से तो घर चल ही रहा हूँ मैं, और काफ़ी दूर है वैसे मेरा घर, इतनी दूर है कि क्या बताऊँ। तो गाइज देखो मैं यहाँ पे इस गांव में आ गया था, जो रास्ते में पड़ता है, इस गांव को जाना छोड़ के जा ही रहा था मैं, तो देखा मैंने कि उस रास्ते एक मोड़ आया और तगत्ती गड्डी में छोड़ आया। नहीं नहीं ये गाना मुझे गाना नहीं चाहिए था, पर मैं गा दे रहा हूँ फिर भी। तो गाइज रात होने वाली थी और रात में आता है मॉब्स, और मॉब्स से लगता है मुझे डर। तो गाइज मैं डर की वजह से मैं इस गांव में वापस आया, और वापस आके मैं सो गया, और सो के मैं जागा और मैंने वीडियो तेज कर दी, और मैं बहुत तेज़ी से पानी में तैरते हुए डुचुक डुचुक करते हुए, क्योंकि मैंने तीन दिन से जो है लैटरिन भी नहीं धोई थी, और उसे धोते हुए मैं अपने गाँव में तुरंत की तुरंत चला आया हूँ बिना देर किए। तो गाइज अब मैं इन गायों को, इन भेड़ों को और सुअर के पिल्लो, इन्हें तो जो है ना फीड खैर करा नहीं पाया था, मैं बहुत मेहनत कर रही थी, पर ये फीड आखिर कर ही नहीं पाए, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है करना क्या है इन्हें, है नहीं है, यही तो जीवन में गेम है। देखो गाइज इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतनी मैं इनकी चापलूसी कर रहा हूँ, और ये फीड ना तो ये फीड कर रही ना ही ब्रीड कर रही, क्योंकि मैं इन्हें दे रहा हूँ वीट, ना कर रही है फीड और ना ही कर रही है ब्रीड। ब्रीड यार मुंह में थूक आ जाता है ना, तो उससे क्या होता है, उससे तुम्हारा जो बैक ऑफ फैन निकल जाता है। तो अरे ब्रीड देर से तू हर शब्द ही ऐसी निकलता है, अरे रुपए देर से नहीं हो पाएगा। तो गाइस देखो यार ये क्या बताऊं मैं, इतनी देर लगा दी है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं कुछ इनके लिए लाया हूँ या नहीं लाया। तो खैर छोड़ो, अब देखो मैं इनको फीड करा के इनको ब्रीड करा देता हूँ। ये देखो ये नन्ना मुन्ना आने वाले, आ बेटे की लैट, बेटे मौज कर दी तूने तो। तो खैर छोड़ो, लाल इसको मैं ब्रीड कराता हूँ और उसको ब्रीड कराता हूँ, मतलब ब्रीड करा देता हूँ, कुल मिला के बात ये है। अब गाइस देखो ये मैं बहुत ही देर लगा रहा था, इतनी देर यार इतनी चापलूसी तो मैं किसी की नहीं करता जितनी इनकी करती। यार ये खाने को तैयार नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है, अपने तो बस की नहीं है, छोड़ो खैर क्या बताऊँ, चलता है अपना भी कुछ, मतलब तुम भी थी, हम क्या बतावें यार, चलो छोड़ो आगे चलते हैं वीडियो में। तो गाइस देखो मैंने इन्हें करा दी है फीड, इन्हें करा दी है फीड, कहेंगे वीट की और ये आप करेंगे ब्रीड। तो गाइस मैं बिना देर किए भागे भागे यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे बनानी है कुछ चैन्स, चैन पे मैं लटकाऊंगा लैंटर्न, लालटेन जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं। तो गाइस देखो चैन बनाने के लिए मेरे को पता नहीं था क्या क्या चीज की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे जो है ना पहले लिख रहा था आयरन चैन, तो वो दिखाई नहीं दी, इसने मना कर दिया आयरन चैन मेरे पास नहीं है, तो मैंने खाली चैन डाली। तो उन्होंने कहा हाँ चैन है, उसके लिए आपको जो है ना एक आयरन इंगट चलेगा और दो नगेट चलेंगे। हाँ डकार आके काम बढ़िया होता है जब डकार आती है। तो गाइस मैंने आयरन और जो है ना बहुत पहले जो है ना इसके अंदर फर्नेस में जो है ना डाल दिया था, और उससे जो है अब मैंने आयरन इंगट निकाल लिया है, और उससे मैं बना दूंगा चैन, 10 चैन मेरे लिए काफ़ी रहेंगी, और 10 चैन से मैं बना दूंगा, मेरी जीप कट चुकी है, 10 चैन से बना दूंगा मैं बहुत बढ़िया जो है ना इनका शेल्टर होम। इस शेल्टर होम से बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं, बहुत ही सारा जो है ना हम मीट प्रोड्यूस करने वाले हैं, और वैसे मैं एक काओ फार्म भी बनाऊंगा, जिससे मेरे को अनलिमिटेड जो है ना फैदर नहीं लेदर मिलेगा, और मिल्क भी मिल सकता है शायद, नहीं मीट भी मिलेगा, जिसे बोलते हैं बीफ, ठीक है ना। तो ये काम हमें फिलहाल करना है, और मैंने चैन बना ली है, 10 चैन बना ली है। अब मैं चलता हूँ बहुत तेज़ी से अपने उस शेल्टर होम की तरफ जो मैंने गांव और उसके लिए बनाया है। तो गाइस बिना देर किए हुए यहाँ पे हम फिलहाल चैन भी लगा देते हैं, और उस चैन में हम लैंटर्न भी फटाफट से टांग देते हैं। अब देखो यार क्या बताऊँ, इतनी देर से मैं पसीनों में तर हो रहा हूँ यार, जीवन मेरा ऐसे ही हो रहा है पसीनों में तर।
तो गाइस देखो, मैंने फिलहाल यहाँ पे दो टांके देखे, मेरे को कैसा लग रहा है मैंने दूर जाके देखा, पर यार एक और बीच में होना चाहिए, मैं एक और बीच में टांग दूंगा। क्या लैंटन हुई यार, देखो अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा, हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन कर दूंगा मैं भाई साहब भगवान। तो गाइस देखो, मैं लैंटन ये एक एक यहाँ इनके कमरे के बाहर टांग दूंगा, एक यहाँ टांग दे बेटा, यहाँ टांग, हाँ एक यहाँ बराबर में बेटा, बराबर में सीधे हाथ पे को, हाँ यहाँ सुनता नहीं है, खैर सुनेगा तो मेरी ही है। देखो कैसा लग रहा है, हाँ थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें लाइट की कमी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भी लगा देता हूँ, यहाँ से गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से भी इनके अंदर को ऊपर चढ़ के चैन लगा देता हूँ और उस पर लैंटन टांग देता हूँ। तो ये काम फटाफट से हम कर देते हैं और बिना देर करे हुए। तो गाइस देखो, पीछे से टंग नहीं रहा था और आगे से मैं टांग दूंगा चैन, और इधर से मेरे को काफ़ी देर लगने वाली थी और काफ़ी सारा समय, और मेरी मम्मी बुला रही है यार, मम्मी बुला रही है, तो करते हैं गाइस कुछ काम करके आता हूँ मैं, यहीं रहूँ। तो गाइस देखो, मैं आ गया हूँ अपनी मम्मी की बात सुन के, तुम भी अपनी मम्मी की बात सुना करो, बिना ऐसे काम नहीं चलेगा ना मुन्ना ना। तो गाइस देखो, मैं कहाँ था, जहाँ भी था मुझे पता नहीं है, खैर मैं भूल गया कहाँ भी था। तो गाइस मैं यहाँ पे जो है ना चैन लगा ही रहा था, और इतनी देर में शाम हो गई थी, और शाम होते होते जो है ना मैं सोच रहा था पहले सोने चला जाऊँ, तो इतने दिन मुझे लग रहा था, मैं तो सोच ही रहा था कि मैं यहीं पे बैठ के घुस के यहीं सो जाऊँ। तो इतनी देर में एक मोब ने, जो ये वाटर मोब है, सी मोब क्या बोलते हैं, इनने मेरे जो है ना ट्राइडेंट से घूसा मारा, घूसा नहीं ट्राइडेंट ही मारा। तो गाइस इसे मैं ये देखते ही मैं तुरंत भागा, मैंने कहा पहले सो गया हो इसे सुबह बताऊँगा, अभी तो फिलहाल सोने चले जाओ और सुबह बताऊँगा इसे मैं, क्योंकि रात और काफ़ी हो चुकी है और मेरे प्लेयर को पहले से सो जाना चाहिए और सुबह काम करना चाहिए, वरना और भी मॉब्स इसको देख के आ सकते हैं मेरे इस घर के पास, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इससे क्या करना है हमें, बचना है। तो गाइस अब सुबह हो चुकी है, ये देखो ये जला, एक तो धूप ने इसे जला दिया, अब देखो ये नीचे भागेगा पानी में, मैंने कहा थोड़ी सी पावर इसकी कम होने दे बेटा, कम होने दे, तेरे एक ही घूसा मारूंगा, एक ही घूसे में तेरा बंदर बन जाएगा। तो गाइस देखो इसकी पावर हो चुकी है काफ़ी लो, और एक घूसे में मैंने इसे सूजा दिया है, और ये सूजा हुआ नीचे पड़ा हुआ है। तो गाइस देखो एक और मोब है, और मुझे उससे बच के रहना है, क्योंकि वो मेरे पे हमला कर सकता है, लेकिन मैं ट्राइडेंट, ये वाला ट्राइडेंट इससे लेके रहूंगा, क्यों, क्योंकि ये आगे काम में आएगा, मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं इस ट्राइडेंट से, ठीक है ना गाइस। ये देखो मैं पहले जो है ना, मुझे लगा कुछ मेरी पूरी इन्वेंट्री फुल है, तो कुछ फेंक देता हूँ, ये फेंक देता हूँ मैं, ये जो गमला सा है, क्या है ये, पेड़ का, हाँ कोबल्ट स्टोन नहीं, क्या है ये गमला सा, सैपलिंग, इसे फेंक दो गाइस, ये गाइस ले लूंगा मैं ट्राइडेंट, यस। तो गाइस यहाँ पे हाथ के हाथ में तीन ये तोड़ देता हूँ, क्या बोलते हैं आयरन ओर, क्योंकि आयरन भी बहुत जरूरी है जीवन में, है नहीं है, बहुत अच्छे, मम्मी की बात हर किसी को सुननी चाहिए, तुम भी सुनो, अच्छे बच्चों हो तो। तो गाइस देखो काफ़ी सारी मौज मस्ती हो चुकी है, अब मैं फिलहाल जो है ना यहाँ पे लाइट का काम ख़त्म करता हूँ इसके अंदर, और बची कुछ लाइट का काम अगर कुछ रह गया होगा तो मैं, वैसे मेरे हाथ तो है नहीं, तो ये मेरा आज का और अब तक का जो हाउस था ये फिलहाल तो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें कुछ रह गया होगा तो मैं गाइस आपको बताऊंगा, और आप तक तब तक जो है ना इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक तीनों चीज़ करनी है आपको, ठीक है ना। तो गाइस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और चैनल पे बने रहिएगा, यहाँ तक कि अगर आपने वीडियो देखी है ना तो यार दिल से थैंक यू बोलता हूँ आपको मैं, बहुत ही बढ़िया, तो टेक केयर गाइस, बाय।